इस वीडियो में हम Realme 10 Pro Plus को Motorola Edge 40 के साथ कंपेयर करने वाले हैं। Realme 10 Pro Plus को आप लगभग 23,000 रुपए में बाय कर सकते हैं। वहीं बात करें Motorola Edge 40 की तो इसका प्राइस लगभग 29,000 रुपए है, लेकिन जब Realme 10 Pro Plus को लॉन्च किया गया था तो इसका प्राइस भी लगभग 29,000 रुपए था और इसमें भी आपको Motorola Edge 40 की तरह कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसके अदर स्पेसिफिकेशंस भी काफी शानदार है। तो चलिए दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से आपको किस में परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सबसे पहले दोनों के डिजाइन की बात करते हैं। Motorola Edge 40 की बात करें तो फ्रंट से देखने में ये फोन काफी अच्छा लगता है। इसकी डिस्प्ले कर्व्ड है और डिस्प्ले पर बेजल्स काफी कम है। नीचे की साइड में आपको जो चिन पार्ट मिलता है वो भी लगभग ना के बराबर है, जिसकी वजह से इसकी डिस्प्ले सामने से देखने से काफी बड़ी लगती है। डिस्प्ले में जो फ्रंट कैमरा है वो पंच होल डिजाइन में मिलता है, जो कि डिस्प्ले के ऊपर की ओर बीच में दिया गया है। इसके बैक में आपको मैट फिनिश मिलता है, जो कि इसके डिजाइन को एक अलग लुक देता है। Realme 10 Pro Plus का डिजाइन भी काफी प्रीमियम है। इसमें भी आपको कर्व्ड डिजाइन मिलता है, जो कि इस पर काफी अच्छा लगता है। फोन थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन हैंडी भी है, इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन का कैमरा बम्प भी काफी अच्छा लगता है, जो कि इसे एक अलग लुक देता है। फोन के बैक पर आपको मैट फिनिश के साथ शिमरी मिलती है और इस पर फिंगरप्रिंट भी नहीं छपते। कुल मिलाकर इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है। बात डिस्प्ले की करें तो Motorola Edge 40 में आपको 2400x1080 पिक्सल्स रेजोल्यूशन वाली 6.55 इंच की फुल HD प्लस 3D कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है। ये डिस्प्ले OLED पैनल पर बनी है, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तकनीक से लैस है। इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। साथ ही इसकी डिस्प्ले में आपको 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस और HDR 10 प्लस जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। फोन में आपको Dolby Atmos का सपोर्ट भी मिलता है। Realme 10 Pro Plus में आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलती है। फोन का वीडियो एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त है। फोन में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन में वीडियो देखना और गेम खेलने का एक्सपीरियंस काफी शानदार रहता है। AMOLED डिस्प्ले होने के कारण फोन में जो वीडियो के कलर्स हैं वो काफी अच्छे हैं और इनमें डिटेलिंग आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Motorola Edge 40 भारत में लॉन्च होने वाला पहला ऐसा मोबाइल फोन है जो MediaTek Dimensity 8020 चिपसेट को सपोर्ट करता है। यह 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो 2.6 GHz क्लॉक स्पीड के साथ रन करता है। इसमें आपको माली G77MC9 GPU दिया गया है। ये स्मार्टफोन Android 13 पर लॉन्च हुआ है और इसके साथ आपको 2 साल तक के Android और 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। बात परफॉर्मेंस की करें तो गेमिंग के दौरान आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। इसका UI भी क्लीन है, इसमें आपको फालतू के एप्स भी नहीं मिलते। Realme 10 Pro Plus में आपको 8GB तक की RAM दी गई है, जिसमें आपको 8GB तक की वर्चुअल RAM का सपोर्ट भी मिलता है। मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग के मामले में ये फोन काफी दमदार है। इसमें आपको MediaTek Dimensity 1080 5G प्रोसेसर मिलता है। फोन में आपको A1 Android एक्सपीरियंस मिलता है और फोन में Android 13 दिया गया है, जो कि इसे और भी खास स्मार्टफोन बनाता है। लेकिन एक बात जो आपको इस स्मार्टफोन में थोड़ी खटक सकती है वो ये है कि इसके UI में आपको फालतू के एप्स काफी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन एक बार फोन को बाय करने के बाद आप इन सभी एप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि काफी अच्छे से काम करता है। अब बारी आती है कैमरे की। Motorola Edge 40 के कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन के रियर में आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है। इसके बैक पैनल पर f1.4 अपर्चर वाला 50MP का प्राइमरी सेंसर है, जो f2.2 अपर्चर वाले 13MP के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के साथ मिलकर काम करता है। इसी तरह सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें आपको f2.4 अपर्चर वाला 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके रियर में मैक्रो और डेप्थ कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन रियर में जो 2 कैमरे दिए गए हैं वो ही दोनों मिलकर मैक्रो और डेप्थ कैमरे का काम करते हैं। Realme 10 Pro Plus में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर मिलता है। इसका जो पहला सेंसर है वो 108MP का है और दूसरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। तीसरा सेंसर 2MP का मैक्रो सेंसर है। फोन के प्राइमरी सेंसर की बात करें तो दिन की रोशनी में ये काफी अच्छे से काम करता है, काफी अच्छी फोटो क्लिक करता है, इनमें आपको डिटेलिंग काफी अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि इसके अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर की फोटोज तो अच्छी आती हैं, लेकिन इनमें डिटेलिंग प्रॉपर दिखाई नहीं देती। दिन की रोशनी में मैक्रो कैमरा अच्छा काम करता है। नाइट फोटोग्राफी की बात करें तो अगर लाइटिंग अच्छी हो तो यहाँ भी आपको कुछ अच्छे शॉट्स मिल सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिसके साथ आपको ब्यूटी मोड मिलता है, जो कि काफी अच्छे से काम करता है। बैटरी की बात करें तो Motorola Edge 40 में पावर बैकअप के लिए आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अगर बात करें तो वो
68 वॉट का मिलता है। इसमें आपको 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। Realme 10 Pro Plus में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ आपको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और इसकी बैटरी को जीरो से फुल चार्ज करने में लगभग 50 मिनट का समय लगता है। अब बात करते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। देखिए, Realme 10 Pro Plus का प्राइस Motorola Edge 40 से काफ़ी कम है और इसके डिस्प्ले के साथ आपको अदर्स फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप एक नए डिज़ाइन वाला फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो आप Motorola Edge 40 को कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक जैसी मिलती है। दोनों में से किसी को भी बाय करना हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और बाय कर लीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।